Hello guys, welcome back to our channel Experience. So today we are going to review the most wanted TVS scooty, which is Ntorq 125 Race Edition. Special thanks to Chaudhary TVS Agartala for providing us the scooty. Showroom address and contact numbers are given in the description. You can call them for further information about any TVS scooty or bike. तो पहले हम इसके हेडलैम्प से शुरू करते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं, इसमें फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया हुआ है और उसमें कि एक वाई शेप का डीआरएल दिया हुआ है। टोटल चार पार्ट पे एलईडी दिया हुआ है, जिसमें कि ऊपर वाला दो आपका लो बीम का काम करता है और नीचे वाला दो हाई बीम के साथ साथ फास्ट लाइट का भी काम करता है। और ऊपर की तरफ आए तो आपको यहाँ पर डुअल टोन कलर पे हेड सेक्शन मिल जाता है, जिसमें कि एक इंडियन फ्लैग की लोगो दिया हुआ है। और इसमें आपको इंसर्टेड दो हैलोजन इंडिकेटर मिल जाता है। और ये रहा स्मार्ट कनेक्ट की बैजिंग। आप लोग फ्रंट से देख सकते हैं कि स्कूटी का लुक्स कैसा आ रहा है, बहुत ही आई कैची डिजाइन है स्कूटी का। और साइड में है तो आपको यहाँ पर 12 इंच का डायमंड कट एलॉय मिल जाता है, जो कि 100x80 सेक्शन का टायर के साथ आता है। और आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी मिल जाता है। और साइड में है तो यहाँ पर आपको 220mm का फ्रंट डिस्क विद सिंगल पिस्टन क्लिपर मिल जाता है, जो कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग के साथ आता है। और साइड में यहाँ पर Ntorq की कुछ स्टिकरिंग दिया हुआ है, जिसमें कि रेस एडिशन लिखा हुआ है। और सीट के नीचे भी आपको रेस एडिशन की और स्टिकरिंग मिल जाता है। साइड स्टैंड और जो साइड फुट रेस्ट वगैरह है वो टोटली कंपनी फिटेड आ जाता है, आपको अलग से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको 3 बल्ब इंजन मिल जाता है, इसलिए 3 बल्ब की बैजिंग, 2 इनलेट बल्ब और 1 एग्जॉस्ट बल्ब दिया हुआ है, जिससे कि इंजन बेटर परफॉर्मेंस कर सके। इसमें आपको 124.8cc का एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है, जो कि 9.38 PS की पावर और 10 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। उसके साथ आपको यहाँ पर किक स्टार्टर भी मिल जाता है। पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और पीछे यहाँ पर आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सिंगल सेट सस्पेंशन मिल जाता है। फिर आपको 110x80 सेक्शन का TVS टायर मिल जाता है, जो कि 12 इंच का रिम के साथ आता है। और सीट भी अच्छा खासा ब्रॉड एंड वाइड दिया हुआ है, राइडर एज वेल एज पिलियन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीट होने वाला है। और पीछे स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पर भी पीछे वाई शेप का DRL मिल जाता है। और ये रहा ब्रेक लाइट, और ब्रेक लाइट के दोनों तरफ आपको स्पोर्टी लुकिंग फेक एयर बैंड मिल जाता है। और उसके ठीक नीचे आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है विथ रिफ्लेक्टर। और पीछे वाले टायर के ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा स्प्लैश गार्ड भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंक्लूशन है TVS की तरफ से। इंजन कूलिंग फैन के कलर यहाँ पर रेड में दिया हुआ है, जो कि स्कूटी की स्पोर्टी कैरेक्टर को और एनहेंस करता है। और पीछे आपको बीफी लुकिंग एग्जॉस्ट मिल जाता है विथ सिल्वर क्रैश गार्ड, जिसमें आपको CVTi रेव लिखा हुआ मिलेगा। और डैशबोर्ड की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। और राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच, हैजर्ड स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर हाई बीम, लो बीम, फ्लैशर्स, इंडिकेटर और हॉर्न की स्विच मिल जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आप ब्लूटूथ में अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो कॉल्स, मैसेज और नेविगेशन वगैरह देखने के लिए। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 2 राइडिंग मोड्स दिया हुआ है, एक स्ट्रीट मोड और एक स्पोर्ट मोड। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, क्लॉक, लैप टाइमर, इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, ये सारी फीचर्स मिल जाते हैं। और इसमें आपको एक इको एंड पावर मोड इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जो कि इको में ग्रीन और पावर मोड में येलो कलर का हो जाता है। और उसके साथ साथ बाकी सब नेसेसरी इंडिकेटर वगैरह भी दिया हुआ है, जैसे कि इंजन मालफंक्शन इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, टर्निंग सिग्नल इंडिकेटर वगैरह। तो यहाँ पर आपको एक फोल्डेबल टोइंग हुक मिल जाता है। तो आप चलते हैं सीट के नीचे। तो सीट खोलने के लिए आपको चाबी को यहाँ पर इंसर्ट करके राइट साइड पे घुमाना है। राइट साइड पे घुमाते ही सीट खुल जाता है। और सीट खोलते ही आपको पहला चीज़ जो नोटिस होगा वो है रेड कलर का OBD कैप, जो डायग्नोसिस डिवाइस के साथ ECU को कनेक्ट करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको 22 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है। और ये रहा टूल किट होल्डर। और यहाँ पर आपको एक LED बूट लैंप भी मिल जाता है विद USB चार्जिंग सॉकेट, जो कि कंपनी फिटेड ही आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। और आपको चाबी लेफ्ट साइड में घुमाते आपका एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लिड ओपन हो जाता है। नाउ लेट्स हियर द एग्जॉस्ट नोट। आपको ये स्कूटी 92,000 के आसपास ऑन रोड मिल जाएगा। तो ये रहा हमारी तरफ से BS6 Ntorq 125 Race Edition का रिव्यू। तो हमें कमेंट्स में बताएं आपको ये रिव्यू कैसा लगा।
And guys, please follow us on Instagram. We regularly upload interesting photos and videos of cars and bikes all over the world. So please visit our Instagram page. And if you like our content, our profile, so please follow us. And you can also follow us on Facebook. Both the links given in the description below. And don't forget to subscribe our YouTube channel and put that bell notification on, so you'll get all of our future updates as early as possible. So thanks for watching. Stay tuned with us.